बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। दिख रहे सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 की वैसी छात्रा है जो स्नातक की परीक्षा पास की है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जिसके तहत 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बहुत सारे कॉमेंट्स फिर से लगातार मैं 15-20 दिन से देख रहा था। इस बीच में देखिएगा तो कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जहां से आवेदन शुरू होता है यहां पर एक लाइन हाल ही में अपडेट किया गया था कि रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तिथि थी 31 दिसंबर था उसको बंद कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से कुछ दिनों बाद शुरू की जाएगी, उसके लिए पोर्टल पर सूचना दे दी जाएगी। मतलब कि कुछ दिनों बाद फिर से ऑनलाइन आवेदन होने के लिए यह प्रोसेस ओपन होगा। तो इस बीच में वैसी छात्राएं जो 20 से 23 की है पार्ट 3 आपने फर्स्ट डिविजन से पास किया या सेकेंड डिविजन से सिर्फ पास होना चाहिए। आप नाम स्टूडेंट, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो 4 डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए, क्योंकि देखिए इसमें जो आवेदन हुआ था इससे पहले वाला वो 30 सितंबर तक था जिसका रिजल्ट आया था। आपका जो है कि 28 अक्टूबर रिजल्ट पब्लिश डेट है, मोटा मोटी 1 महीने का अंतर है। अब अगर फिर से वेबसाइट खुलती है और रिजल्ट पब्लिश डेट यदि बढ़ा दी जाती है नवंबर कर दे या दिसंबर कर दे तो 20 से 23 वाली तमाम छात्राएं आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। इसलिए जो है कि कम से कम आज नहीं तो कल आपको डॉक्यूमेंट तो तैयार रखना ही पड़ेगा, आवेदन आपको करना ही है, पेमेंट आपको मिलेगा ही। आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। पहला कि आधार कार्ड जो है कि आपके पास तो होगा, आधार कार्ड पर फादर नेम ही रहने दीजिएगा जब तक ये पैसे ना मिल जाते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। दूसरा आपका आवासीय बनवा लीजिएगा जहां का एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है, ध्यान रहे बिहार का ही एड्रेस होना चाहिए, उसी हिसाब से जो है कि आप लोग अपना आवासीय बनवाइएगा। और यदि आपने आवासीय बनवा लिया है तो उसको रखिए। अब जो QR कोड देखिएगा तो QR कोड होगा आवासीय पर यदि आपने बनवा रखा है तो QR कोड वाला आवासीय लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, 1 साल पुराना भी होगा तो वह चलेगा। दूसरा है कि बैंक पासबुक, आवासीय हो या आपका आधार कार्ड हो या बैंक पासबुक हो, आपका नाम स्टूडेंट ध्यान रहे किसी भी प्रकार से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा भी आपका नाम है उसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं तो आपके पासबुक में होना चाहिए, नहीं तो आधार कार्ड में होना चाहिए और ना ही आपके जो है कि आवासीय सर्टिफिकेट में होना चाहिए। बैंक पासबुक में कुछ नाम जो है कि कुछ कैंडिडेट के 19 से 22 के कुछ स्टूडेंट का जो है कि कुछ एकाध जो है कि वर्ड जो है लेटर हम कहें तो अलग पाया गया है तो उसका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। तो तमाम स्टूडेंट इतना याद रखिएगा कि जो आपके आधार कार्ड पर एकदम जैसा स्पेलिंग है बिल्कुल वैसे ही आपके आवासीय पर होना चाहिए, बैंक पासबुक पर होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट हुआ, आधार कार्ड, आवासीय और बैंक पासबुक, और चौथा आपका पार्ट 3 का ओरिजिनल मार्कशीट। ओरिजिनल मार्कशीट खैर अभी आप लोगों को मिला नहीं होगा लेकिन जल्द ही आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगा। जब रेडी हो जाएगा मार्कशीट तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद जाकर के कॉलेज से ले लीजिएगा। तो याद रखिएगा आपका अपना नाम मार्कशीट पर, पासबुक पर आपके, और आधार कार्ड पर और आवासीय पर, चारों जगह एकदम 100% एकदम सही सही मैच करना चाहिए। थोड़ा भी अगर गड़बड़ वगैरह है एक लेटर भी तो आप सुधार करवा लीजिए। बहुत सारी छात्रा का होता क्या है कि बैंक पासबुक में नाम कुछ और रहता है तो बैंक पासबुक में भी नाम सुधरवा लीजिए बैंक से कॉन्टेक्ट कर करके, नहीं तो यदि कुछ भी गड़बड़ पाया जाएगा एक भी लेटर तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब का ख्याल रखिए, आप लोग जो है कि ये सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जल्द ही फिर से जो है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुछ दिनों में आप देख पा रहे कुछ दिनों में शुरू की जाएगी, उसके लिए पोर्टल पर सूचना दे दी जाएगी। तो यदि आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें जो 30 नवंबर है इसको बढ़ा करके दिसंबर तक किया भी जाता है या 30 अक्टूबर तक भी किया जाता है, मतलब 1 महीना भी बढ़ा दिया जाएगा, तो फिर आप लोग उस डेट में आ जाइएगा। तो मोटा मोटी ये सभी चीजें हैं, आप लोग जो है कि रेडी करके रखिए, आवेदन जैसे शुरू होगा हम आपको बताएंगे। और डॉक्यूमेंट जो है कि उसमें जो है कि किसी भी प्रकार का एरर ना कीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी, और हर जगह फादर नेम ही रहे ये पूरी कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुरू देखने के लिए।